नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। राम राम हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। देश के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री आवास संत कबीर कुटीर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल से अपने परिवार के साथ मुलाकात की और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उन्हें उज्जवल भविष्य के लिए आशीर्वाद दिया। मुलाकात के बाद साइना नेहवाल ने कहा कि हरियाणा में खेल को बढ़ावा देने के विषय पर चर्चा हुई और सीएम मनोहर लाल ने खेल के लिए जो भी किया वो ऐतिहासिक है। बता दें कि उन्होंने आगे कहा कि हरियाणा में युवा खिलाड़ियों की नई पोत तैयार हो रही है। साइना नेहवाल ने कहा कि हरियाणा सरकार के साथ खेल को बढ़ावा देने के लिए हमेशा तैयार रहूंगी। इस मुलाकात के दौरान सीएम मनोहर लाल ने भी अपना विजन साझा किया। अंबाला में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अब वो पुलिस के साथ भी धक्का मुक्की करने पर उतर आए। ताजा मामला अंबाला शहर के चौकी नगर नंबर 4 के इलाके नाहन हाउस का है, जहां एक घर में जुआ खाई वाला एक धंधा चल रहा था। बता दें, गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस वहां जुआ खेल रहे लोगों को पकड़ने के लिए पहुंची तो उन्होंने पुलिस के साथ धक्का मुक्की करनी शुरू कर दी। वहीं फिलहाल पुलिस ने मौके से दो लोगों को गिरफ्तार कर उन्हें कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। वहीं गैंगलिंग बता दें कि धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं पुलिस ने मौके से 2,30,106 रुपए रिकवर किए हैं। कल पुलिस पार्टी को सूचना मिली थी 4 नंबर चौकी के इलाका में कि एक मकान में गुरविंदर एलियस पप्पू जो है वो सट्टा की खाई वाली कर रहा है। जिस इंफॉर्मेशन पर पुलिस जब वहाँ रेड के लिए पहुंची तो वहाँ पुलिस को सूचना मिली कि उन्होंने एक व्यक्ति हरीश नाम के व्यक्ति को अंदर बंद किया हुआ है। इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जो कमरा खुलवाया और जब पुलिस अंदर दाखिल हुई तो इन्होंने पुलिस के साथ धक्का मुक्की की, जिसके पश्चात पुलिस ने कार्यवाही करते हुए वहां से 2,30,106 रुपए के आसपास गैम्बलिंग के पैसों की रिकवरी की है और अन्य साक्ष्य भी वहां से रिकवर हुए हैं। और मौका से दो व्यक्तियों जिनमें सुरेंद्र पाल सिंह है। अगली खबर इंद्री से है, जहां स्कूलों में मुखियाओं को पोक्सो एक्ट के तहत संबंधित ट्रेनिंग दी जा रही है और ये ट्रेनिंग जिले के अलावा पूरे हरियाणा में चल रही है, जिसका उद्देश्य है बच्चों को यौन अपराध के प्रति न्याय दिलाकर उस हादसे से बाहर आने में मदद करना है, जिससे बच्चे अपने सामान्य जीवन में दोबारा आ सके। बता दें कि नोडल अधिकारी ब्रजेश वत्स ने बताया कि जब छुट्टियों के बाद 16 जनवरी को स्कूल खुलेंगे तो स्कूल मुखिया अपने अपने स्कूलों में शिक्षकों और स्टाफ सदस्यों को पॉक्सो एक्ट अधिनियम की जानकारी देंगे और बच्चों को गुड एंड बेस्ट टच से अवगत कराएंगे। हमारे यहाँ आज इंद्री में पॉक्सो एक्ट की ट्रेनिंग सभी स्कूल हेड्स को दी जा रही है। ये ट्रेनिंग इस समय न केवल जिला करनाल में अपितु समस्त हरियाणा में चल रही है, जिसका उद्देश्य है कि जितने भी हमारे राजकीय विद्यालयों के स्कूल हेड्स हैं उनको बाल अपराध रोकथाम अधिनियम 2012, जिसको हम पॉक्सो एक्ट 2012 कहेंगे, उसके बारे में जागरूक करना, बच्चों के मौलिक अधिकारों के बारे में जागरूक करना और बच्चों को किसी भी प्रकार का यौन अपराध अगर उनके खिलाफ होता है तो उसकी तुरंत रिपोर्टिंग हो। झज्जर के नागरिक अस्पताल में डिलीवरी के दौरान स्थानीय डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बता दें कि झज्जर के गांव जहांगीरपुर के ईंट भट्टे पर काम करने वाली आरती नाम की महिला को प्रसव पीड़ा के दौरान
डिलीवरी के लिए परिजन यहां नागरिक अस्पताल लेकर आए थे। परिजनों का कहना है कि नॉर्मल डिलीवरी होने के चलते महिला के गर्भ से स्वस्थ लड़के ने जन्म लिया। डिलीवरी होने के बाद आरती स्वयं चलकर बेड तक गई थी, लेकिन डिलीवरी के दौरान आरती की कोई नस कट गई, जिसकी वजह से उसका रक्त बहता रहा और इसके लिए उसी उस समय संबंधित डॉक्टर से बातचीत की गई तो संभालने की बात कही गई, लेकिन डॉक्टर ने समय रहते उसकी संभाल नहीं की, जिसकी वजह से आरती की मौत हो गई। वहीं उधर इस मामले में न्याय के लिए परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया और वहां उनकी कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो लड़का तो सही हो, लड़का लगा दो मशीन में और जी सर जी, और वो हमारे 2 घंटा तो वो मतलब सही रही है, उसकी पता नस काट दी, निकाह काट दिया, अंदर से कैंची से सफाई करी और वो उसके काकते शरीर तो खून जाने लगा, सारा खून निचुड़ गया। हम बोले बार बार जी लड़की जा रही है हमारी भाज भाज के, उन्होंने बोली ना कि मैडम देख लो ना एक बार देखो ना, बोली ना सिर में दर्द कर दियो तुम जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से बप जी मेरी लड़की और हम तो लगा दिए बाहर को, अंदर तो गेट लगा दियो, हाँ ना भाग जाओ यहाँ से, मेरे सिर में दर्द कर दियो भाग लो यहाँ से। नर्स बोल रही भाई डॉक्टर के खाल जितनी भी कार्रवाई करी जाए उतनी बढ़िया करी जाए। नोएडा डॉक्टरों की लापरवाही है। हाँ जी डॉक्टर की लापरवाही है, इसमें डॉक्टर की लापरवाही होती तो आज मेरी घर वाली जिंदी होती आज, और उसकी देखभाल कर लेते थे वो लोग। डिलीवरी हो गई थी, डिलीवरी नॉर्मल है जी। हाँ चली भी है बच्चा, चली भी डिलीवरी होने के बाद में खुद बेड पे गई उठ के, तो उसके बाद में ब्लीडिंग चली हुई है उसकी, डॉक्टरों की कमी की वजह से हो जाए। हाँ सामान नहीं करी उनकी, उनको बताया भी था हम लोगों ने। ये आरती वाइफ ऑफ मनोज डिस्ट्रिक्ट हाथरस उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी, जिसको 29 दिसंबर 2023 को जो सिविल हॉस्पिटल है वहाँ से पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया गया था और उसको 1 जनवरी को वहाँ से डिस्चार्ज कर दिया था। डिस्चार्ज के पश्चात 2 जनवरी को पेन होने के कारण उसे मेडिकल जो अपना सिविल हॉस्पिटल है झज्जर लाया गया, वहाँ उसने एक बेबी बॉय को जन्म दिया और जन्म के उपरांत उसकी डेथ हो गई। तो सर परिवार के लोगों ने लापरवाही का आरोप लगाया स्टाफ के खिलाफ, इसमें जो एक गाइडलाइन है अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस जो डॉक्टर्स का पैनल है, इसका जो पोस्टमार्टम है बोर्ड द्वारा करवाया गया है और पैनल की रिपोर्ट आने के पास आप जो भी कार्रवाई बनेगी की जाएगी। बता दें कि झज्जर की ये तस्वीरें हैं जहां पर अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही देखने को मिले। डिलीवरी के दौरान महिला की नस कट गई, जिसके बाद महिला की मौत हो गई और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। झज्जर की ये तस्वीरें हैं जहां अस्पताल में डॉक्टर की बड़ी लापरवाही सामने आई है। डिलीवरी के दौरान महिला की नस कट गई। नू में तहसील कार्यालय परिसर में सभी पटवारी और कर्मचारी टेंट लगाकर धरने पर बैठे हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि द रेवेन्यू पटवार एवं कानूनगो एसोसिएशन ने सरकार को चेतावनी दी है कि स्टेट कल्याण कार्यकारिणी के आह्वान पर धरना प्रदर्शन शुरू किया जा रहा है। 3 दिन के सांकेतिक विरोध प्रदर्शन के अगर कुछ कोई निर्णय नहीं लिया गया तो आगे के लिए हड़ताल को बढ़ाया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि हड़ताल से तहसील कार्यालय का कामकाज काफी प्रभावित हो रहा है। पटवारों की बता दें हड़ताल को लेकर अगर सरकार ने मांगों पर विचार नहीं किया तो धरना प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा। ये जो 3 दिन का पूरे प्रदेश स्तर पर जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, ये पिछले वर्ष यानी कि पिछले वर्ष हम धरने पर आए थे अपनी वेतन वृद्धि के लिए। हालांकि हमारी मांग 35,400 की थी लेकिन सरकार ने उसे 3,200 लागू किया था। हमने सरकार के उस फैसले का भी स्वागत किया था लेकिन उसके बावजूद हमारे साथ धोखा हुआ है और 3,200 जो 2016 से लागू किया जाना था वो सरकार ये चाहती है कि वो 2023 से ही लागू हो, जिससे हमारे जो हमें जो नुकसान हो रहा है
उसकी हमें भरपाई नहीं हो पा रही है, यानी कि हम आज भी उसी स्टेज पर खड़े हैं, जो मांग हम मांग रहे थे उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए हमारी मांग, मुख्य मांग ये है कि जो ये वेतन वृद्धि है 3200 का जो ग्रेड लागू किया गया है, इसको 2016 से ही लागू किया जाए और 2023 से एक्चुअल में लागू किया जाए। दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम के नरसिंहपुर की है, जहां पर बता दें कि एक तेंदुआ करीब 7 घंटों तक शहर में खुला घूमता रहा। कुछ समय बाद तेंदुआ गांव के दीवारों पर कूदते हुए एक घर में जा घुसा, जहां गृह स्वामी ने समझदारी दिखाते हुए घर का दरवाजा बंद कर दिया, जिसके बाद तेंदुआ घर के कमरे में ही कैद हो गया। वहीं आपको बता दें, सूचना देने पर फॉरेस्ट विभाग के टीम ने तेंदुए को पकड़ लिया। और बता दें कि गांव के दीवारों को कूदकर भागते हुए ये तेंदुए की तस्वीरें देश के राजधानी से सटे हुए साइबर सिटी गुरुग्राम की हैं। इसके बारे में, तेंदुए के बारे में सुबह 4 बजे सूचना मिली थी मुझे, और सुबह छः बजे ये मदन सिंह एक हमारे ग्रामीण हैं, उनके मकान में ये आ गया था, तो तब मुझे ये सूचना मिली। तो उसके बाद में मेरी बात अनिल जी से हुई, अनिल की फॉरेस्ट अफसर से बात हुई कि इस तरीके से एक तेंदुआ जो है वो गांव के अंदर आ गया है, आबादी के अंदर आ गया है। तो उसके बाद में ये मदन के यहाँ से जब थोड़ा सा दबाव पड़ा तो ये तेंदुआ जो उधर से निकल के फिर राजेंद्र भाटी जी के मकान पे आ गया। सबसे पहले जैसे हमें इसकी सूचना मिली, मुझे इसकी सूचना 6 बजे मिली, तो सबसे पहले मैंने अपने परिवार के जितने भी बच्चे थे सबको अंदर बंद किया कि भी अंदर रहो, बाहर ना जाए। उसके बाद में फिर मैंने फ़ोन किया और प्रशासन में पता किया, तो उन्होंने कहा भी हम आ चुके हैं, तो हम ना फिर वहाँ गए हैं, हमने देखा मदन जी के मकान में जब होशा हुआ, तो वहाँ से जब निकला राजेंद्र के यहाँ, राजेंद्र भाटी के यहाँ गया, तब रेस्क्यू टीम थी तो हम भी वहीं थे, उनके साथ थे। गलियों में बच्चों में और बुजुर्गों में बहुत डर का माहौल था। सरपंच साहब रामवीर जी, इन्होंने 4 बजे के बाद गाँव के किसी सज्जन ने बताया था कि भाई यहाँ घर में लेपड़ घुस गया है, नाम उनका पता नहीं, सर जो बड़े थे घुसे थे, तो उनके अंदर घुसे, तो हम महकमे को सूचना हुई, कृष्ण जी अपने यहाँ इंचार्ज हैं और राजेश एल जी इंस्पेक्टर, उनके आदेश अनुसार सारी टीमें यहाँ पर आ गई, जो भी रेस्क्यू टीम हरियाणा की इशारे लगे हैं वो धीरे धीरे पहुँच रहे थे। क्या उम्र तेंदुए की लग रही है और किसी लोगों पर हमला किया है? एक वे बता रहे हैं वो भगते वक्त इसी मकान में से निकला था ना, तब एक किसी को थोड़ी इंजरी हुई, प्रशांत लड़के को लगी है थोड़ी, जो वो आ गया होगा वो एक्सीडेंटल है, वो सामने आ जाता है, तो इस टाइम जानवर बहुत घबराया हुआ होता है, उसको पता नहीं होता कि किधर भगना है क्या करना है, तो इस वजह से वो लगी होगी, लेकिन ज्यादा गंभीर नहीं है, ठीक है। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।